हो गई है तैयारी। दो तो अपने तो वो चावल तो दो 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 नई नई बहुओं के सिंघाड़ा डालने की। और ये हमारे गणेश जी देवर बनकर जा रहे हैं। ये एक ही देवर जा रहा है, बाकी सब जेठ जा रहे हैं। माटी लगा दी। हाँ माटी लगा दी। हो कैसा वीडियो बनाओ। चलो बाय। अच्छा बाय कर दो, ऐसे तो वीडियो में लगेगा कि तू भी जा रहा है। और वो चले गाड़ी। अब हम सेट गेट बंद कर रहा है और इसको वीडियो में आने की बहुत लगी रहती है। बन के कटप्पा है सेट। सेट कटप्पा बन के बड़ा ही मजा आ रहा है इसको। देखिए इस लड़की को, सो कर उठ कर आई है और उठते भूख लग रही है तो देखो भाग गई। मुझे सो के उठते हुए 1.5 आवर हो गया। अच्छा आंखें बता रही हैं तेरी। हाँ, पर मैं ना आंखें बता रही वो सो नहीं रही थी, मैं बस लेटी रही थी। तो फिर उनको बाई बोल देती वो लोग गए। अब तेरे को ये भी नहीं पता कौन गए कहाँ गए। मुझे पता है। तो अभी बन रही है दूसरी वाली चाय। तो यहाँ पे चाय चढ़ा दी है हमने। अब चाय पियेंगे उसके बाद सारे काम करेंगे। क्या टीका लगा देने को तब तो उठ नहीं सकती थी उस टाइम। बाय को नहीं बोल सकती थी। अरे यार पर इनमें तेल डलवा लेना आज। मेरे बाल ऐसे प्यारे लगते हैं फिर तेल में डालकर। तो तेल में डालकर तो तेल तो डलवाना ही पड़ेगा। बाल मजबूत और प्यारे तभी रहेंगे जब इनको पोषण मिलेगा। तो बस अभी चाय पियेंगे उसके बाद नहाएंगे और आज हमारा ही राज है, मैं मम्मी जी और दोनों बच्चे। तो देखते हैं क्या बनाएंगे क्या खाएंगे, कुछ पता नहीं है अभी तक। तो अभी तो रोटी भी बनाएंगे। क्यों? हाँ। रोटी क्यों नहीं? मजा आएगा। देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं क्या होता है, मुझे भी नहीं पता, अभी देखते हैं। चाय पी रही है, नहा के आ चुकी हूँ और पूजा भी मेरी हो गई है उधर। आप देख सकते हो पूजा कर ली। अनवी जो है वो शिवांश के साथ खेल रही है और अभी मैं बैठी हूँ लेकर लहसुन। और आज मैंने सोचा है कि लहसुन की मैं ना एक्चुअली पापड़ की सब्जी बनाने वाली हूँ मैं, लेकिन लहसुन की चटनी बना के उसमें पापड़ फ्राई करती हूँ तो वो सब्जी मैं बनाऊँगी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि लहसुन की जो चटनी है वो मैं उस पर बनाऊँगी, पत्थर पे जो सिलबट्टे पे, तो सिलबट्टे पे बनेगी आज लहसुन की चटनी। तो फटाफट से चलिए लहसुन छील लेते हैं फिर बनाएंगे चटनी। ये लीजिए हमारा सिलबट्टा धोकर रेडी है, इस पर लहसुन डाल लेंगे हम। थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने किया है, थोड़ी चटनी भी रखने वाली हूँ मैं। सिलबट्टे पे पिसी हुई चटनी इसके साथ ही डाल दिया है। ये मिर्ची मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही ले लेते हैं ताकि ज़्यादा चटनी बने। इसके साथ ही नमक और एक छोटा चम्मच जीरा, मतलब बड़ा चम्मच है तो आधा कर लो। अभी हम इसको पीसेंगे। हमारी चटनी जो है वो पिस गई है तो इसको निकाल लेंगे। और ये देखिए मैंने ना पहली बार बनाई है सिलबट्टे पे, बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करती नहीं हूँ। और चटनी तो मैंने छोटी थी तब तो बनाई होगी गांव में, मतलब मज़े के लिए, वैसे तो मुझे याद नहीं है क्योंकि कम ही यूज़ करते हैं हम सिलबट्टा। तो ये सारी चटनी निकाल लेंगे यहाँ से और अब इसे फ्राई करूंगी और उसके बाद थोड़ी सी निकाल लूंगी। और यहाँ पे चढ़ा दिए मैंने तेल और यहाँ पे मैंने पापड़ भी अपने निकाल लिए हैं। तो इनको भी छोटा छोटा टुकड़े कर लेंगे, बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं रखेंगे क्योंकि ये ना पानी में जाकर भी फिर बड़े बड़े से हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इनको छोटा छोटा इस तरीके से पीसेस कर लेंगे सारे पापड़ का। तो ये लीजिए रेडी है और तेल भी हमारा गरम है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं सब्जी। तो अभी तेल में जाएगा जीरा, इसके साथ ही हम डाल देंगे ये चटनी। कटोरी जो धोई थी ना इसमें थोड़ी चटनी भी है, थोड़ा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से इसको पकाएंगे। जब तक ये तेल नहीं छोड़ देती तब तक इसे पकाना है, फिर थोड़ी चटनी निकाल लेंगे और बाकी मसाले डालेंगे इसमें। तो अभी इसको मैं अच्छे से पकने दूँगी ताकि हमारी चटनी जो है वो बड़ी टेस्टी से यहाँ पर पक गई है। तो मैं ये निकाल लेती हूँ थोड़ी सी
इसके अंदर। ये देखो कलर देखो इसका। तो ये हो गई हमारी लहसुन की चटनी रेडी। तो अभी अब जो बचा हुआ चटनी है ना, इसमें हम मसाले डालेंगे, हल्दी, धनिया, नमक, क्योंकि अभी हमें चटनी वो सब्जी बनानी है। तो सब्जी के लिए हल्दी, धनिया ये सब डाल दिया है, थोड़ा सा नमक क्योंकि मैं झोल करने वाली हूँ इसमें, इसलिए अच्छे से इसको पका लेंगे। अब इसमें डाल देंगे ये पापड़, अच्छे से मिला देते हैं और फिर पानी डाल के इसको पका लेंगे सब्जी को। तो खूब सारा पानी, लाइक 2 कप जितना पानी मैं डाल रही हूँ। और अब हमारी पापड़ की सब्जी जो है वो रेडी हो गई और उतार दिया मैंने गैस से, और ये बिल्कुल तैयार है, एकदम यू नो चटखारेदार चटपटी सी, देखने में तो ऐसी है, खा के बताएंगे कैसी है। मैं और वेला चले हैं शॉपिंग करने, तस्कीम चले, मेरा वो नहीं, तस्कीम जा रहे हैं हम, देखते हैं क्या उखाड़ कर लाएंगे स्कीम से। और ये आ गए हम चप्पल की दुकान में, तो बैठ गए हम दोनों चप्पल देखने के लिए, देखते हैं क्या पसंद आता है बेला को। ये बेला ने देख ली है मेरे जैसी सैंडल, जो उसको पसंद तो आ रही है पर उसको हील्स नहीं चाहिए। अब बेला ने देख लिया यहाँ पे चप्पलें, देख बेला कम हील के तो आए, कम हील चाहिए इसको, सुंदर भी चाहिए इसको, पता नहीं क्या चाहिए क्या लेकर जाएगी ये लड़की, फिर ऐसी वाली हैं ये आंटी जी टाइप हैं। आंटी जी टाइप चाहिए आपको? देख तो देख बग लिए आए हैं तुम, पूछ रहे हो भैया दिखाऊं, तो देखने के लिए आए हैं भैया। अच्छी तो है बेला, सुंदर तो है। बेला हो रही है बहुत ही कंफ्यूज और ये कैट वॉक करने लग गई है चप्पल पहन के, और इसको कुछ जमता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। लग गई है यहाँ पे नवरात्रे की तैयारी, ये देखो गणगौर भी है और नवरात्रे की तैयारी भी हो रही है, और यहाँ पे मिल रहा है सब कुछ 5-5 रुपये में। तो पर्स तो क्या 5 का होगा पता नहीं। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे 5 का पत्ता लेने। वो कितनी सुंदर सुंदर गणगौर है यहाँ पे, इस शरण गणगौर बने हुए हैं। और आ गई है फ्रूट मंडी, चलो गन्ने का रस चाहिए। तो अब खरीदी जाएंगी शिवांश के लिए चप्पल, तो शिवांश की मम्मी को तो पसंद नहीं आई है, देखते हैं शिवांश को भी पसंद आएंगी कि नहीं, बने रहे हमारे साथ। और ये आ गई फिर से गणगौर, तभी गणगौर के टाइम पे और नवरात्रों के टाइम पे ये सब चल रहा है, रौनक देख सकते हो आप। तो ये दोपहर में तो इतनी रौनक होती नहीं है, शाम को यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, पाँव नहीं टिका सकते हो आप। कठे शिवांश के, शिवांश के लिए चप्पल है, आगे चल। तो हमें लग नहीं रहा है कि हमें शिवांश के लिए भी चप्पल मिलेंगी। अच्छा वो पेड़ ले गो, वो पीछे रबड़ वाली नहीं है क्या? तो ऐसी आदमी जैसे लेंगे हम शिवांश के लिए, आदमी है छोटा आदमी के लिए। और ये देखो क्यूट सी चप्पलें, हाँ बस सही है। कितने की है? फाइनली हमें मिल गई हैं। गंदी कैसी हो? और यहाँ पे काफ़ी कुछ है वैसे तो देखने को, और रेडियो पे ना सामान बड़ा सस्ता मिलता है, ट्राई करना चाहिए। हमें राजस्थानी मोजड़ी भी मिली है, मोजड़ी ले ले मेला मोजड़ी अच्छी सी देख। 2 साल के बच्चे के लिए चप्पल है, रबर वो पीछे रबर वाली दिखाओ। तो यहाँ पे बुलाओ ले ले, हाँ बदक हार भी चल रहे हैं, मैं का हार भी मिलते हैं वैसे गुजरात में करेंगे। ओ ये किले, ये कितने की है? इससे एक बड़ी साइज बड़ी मिलेगी, सुंदर शायद नहीं देनी पड़ेगी। ओ ले ले बेला, ये लो कम हील के, मैं बोल रही हूँ बेला को ये ले ले बेला, ये तो आ जाएगी। हाँ ये आ जाएगी, बता दो भैया सैंडल वैंडल किसी तरह। तो फाइनली हमें शिवांश के लिए बहुत ही क्यूट सी चप्पल मिल गई हैं,
जिन पे रैबिट बना हुआ है और वो जाते ही निकाल देगा इसको, इस रैबिट को तो खा जाएगा। हाँ ये वाला भैया, तो हमें मिल गई है शिवांश के लिए। और जिला रमन जो है वो चल रहा है मोजड़ियों के ऊपर। ये कितने की है भैया? तो चप्पलें पमन कर रही है तू, एज मोजड़ियां पमन कर रही है, तो देख तो फिर। इधर कलर में चाहिए या ब्राउन में चाहिए? लोफर अच्छी लग रही, कल मैं पहन के गई ना बहन की भी, बड़ी सुंदर सी लगी है बेला को, दिखा मेरे को दे। ये बड़ी सुंदर है, अच्छी तो है दिखने में। ये देखो तो ये पीछे से ओपन है, बेला को ओपन चाहिए, अभी सुंदर है बेला। ये भी सुंदर है, सुंदर तो अभी लग रही है बेला, छोटी है पर तेरे। और अभी बेला का मन आया है चूड़ों पे, आज पूरा व्लॉग बेला पे बनेगा। बेला को क्या क्या पसंद आता है तो बताओ बेला, कौन सा चूड़ा पसंद आया? आले चाल पड़िया दो, इसने देखे ही नहीं कोई चूड़े, मैं यहाँ पे व्लॉग बनाने बैठी हूँ। यहाँ पे भी हैं चूड़े, कौन ग्रीन कह रहे? हाँ 100 रुपए तो है, सुंदर तो है। अभी 100 बोलकर हमने सुंदर बता दिया तो 150 हो गए। अरे तो सिर्फ 100 रुपए दी थी। हाँ इसको आपने हार देने से सही बताना। हाँ सही है, अच्छा वाले के लिए सही है भैया, सही जा रहे हो। वो सही कही है। बेला का मनाया है अंगूठियों पर, अभी सुंदर है बेला। हाँ देख भैया, तो बेला अंगूठिया पहन पहन के दिखाएगी आपको, है तो सुंदर, है तो अच्छी। ये माथा पट्टी अच्छा लग रहा था, सुंदर सुंदर है नेकलेस तो। ये देखो शिल्पा लेगी शायद, सुंदर सुंदर है। कितने का है भैया वो? ये कितने का? ये वाली रिंग देखो, हाँ रिंग देख क्या मिला मेरे से, तो कलर ही हो एक ही है, है तो अच्छा, बट हमारे पास कुछ है ही नहीं इसके मैच करने का। नहीं चलो, और बिल्ला सिर्फ टाइम पास करती घूम रही है, कुछ लेना देना तो है नहीं इसको। चप्पल देख ले। कुछ तो ले तू मेरे व्लॉग में। इसको लेना देना तो कुछ है नहीं। अब क्या देखेंगे हम? जुत्ती तो पहुंची है थोड़ी पंकी लुक में घूम फिर के। और बेला अगर बोर हो जाएगी तो इनके इयररिंग्स भी बना सकती है। तो अभी फिर हमें जूतियाँ दिखी हैं जो कि वो पिंक वाली बहुत ही प्यारी लग रही है, वो वाली। तो हमने यहाँ पे ट्राई मारा है थोड़ा सा, देखते हैं अब बेला फाइनली लेती है कि नहीं, पूरे मार्केट में घूम घाम कर। और ये पहन लिए बेला ने, पहन के देखो एक बार इन चप्पलों में, आप सेल सेल है क्या? सेल है, वाह कितना, ये एक दो में सुंदर है मेला, ये 100 की दी गई, 100 की 120 की, 100 की और इनमें इसमें कोई सेल है कि नहीं बताइए? नहीं, ये कितने की है? जो लेनी है उसमें सेल नहीं है ज्यादा, 250 सेल का सारा जिसमें काटा है वो उसमें जोड़ दिया है, ऐसा है ना, सही से बोले तो मैं ले लूं। गाइस हम लोग घर आ गए थे और बारिश का मौसम हो रहा है एकदम तगड़ा वाला है ना, और ऊपर मैंने कपड़े डाल रखे हैं छत पर, कारपेट लगा देती हूँ। तो आज तो सविता जी आए थे झाड़ू पूजा करके गए 4-5 दिन बाद, और
अच्छे से सफाई हो गई है पूरी, आप देख सकते हो। तो पूरी सफाइयाँ हो गई, मैंने ये यहाँ पे बिठा लिया क्योंकि काफ़ी यहाँ पे खुला खुला है ना, तो ऐसे अच्छी रोशनी आती है। और मेरी मशीन जो है यहाँ पे रख तो ली, ख़राब हो गई, अब पता नहीं क्या होगा। और यहाँ पे ये ना बड़ा ही अच्छा सा मुझे सुकून देता है, तो इसलिए यहाँ पे करके रख कर मैं काफ़ी कुछ कर सकती हूँ। तो अभी बज गए 2:30 और एक बार मैं नीचे चेक कर आती हूँ, मम्मी जी सो गए होंगे आई थिंक, तो नीचे चेक करके आ रही हूँ। उसके बाद मैं तो अपना तामझाम सारा यहीं पे फैला के बैठी हूँ, थोड़ा बहुत काम करना है। और इसका जो मैंने आपको कल दिखाया था, इसका जो ये कल मैंने दिखाया था कि मैं यही करूँगी, लैपटॉप नहीं लूँगी हाथ में, तो उसका मैंने छेड़ा भी नहीं है क्योंकि अभी मैं करती, लेकिन मैं बेला के साथ बाहर चली गई थी तो 1.5 घंटा उसमें लग गया, अदरवाइज़ शायद कर लेती थोड़ा बहुत बट कोई नहीं, चलता है, थोड़ा बहुत घूमना भी बनता है। और मुझे ना एक्चुअली एज ए श्रग चाहिए थे थोड़े डिफरेंट टाइप के, है ना, थोड़े से ना डिफरेंट टाइप के मुझे श्रग चाहिए थे, क्योंकि मेरे पास ये स्लीवलेस कुर्ते बहुत हो रखे हैं और उनके लिए मुझे श्रग चाहिए। तो वो भैया ने ना मुझे कार्ड, कहाँ गया उसका कार्ड भी दिया था कि आप कार्ड ले जाओ, जब आएंगे तब आप फ़ोन करके पूछ लेना। चलो ठीक है, कार्ड लेकर आई हूँ, पर पता नहीं करूँगी कि नहीं, क्योंकि और भी जगह ट्राई कर लेंगे, चाहिए तो है ही बट ट्राई कर लेंगे। और बस अब नींद आ रही, सोऊंगे। देखो मेरे यहाँ पे भी फुंसी हो गई, यहाँ वाली ठीक हुई, यहाँ पे हो गई, क्या करें। चलो अभी थोड़ा करती हूँ मैं काम, देखती हूँ अगर बारिश लगेगी, आ रही है तो फिर तो बादल ऐसे धौड़ 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 होते हैं, सोते हैं थोड़ा। ए, शिवांश ने चप्पल पहन ली है। शिवांश कैसी लगी चप्पल? नहीं अच्छी नहीं लगी, क्या हुआ? इस पे क्या लगा हुआ है? ये क्या बना हुआ है? ये क्या है? क्या है ये? पता? यहाँ पे पता कहाँ से आया? चलो तो पहन के, अजब होगी तो। चलो चलो ना, तो निकाल गई। सीजन का पहला आम रस बना रहे हैं हम, तो आम काट लिए हैं, इसमें डालेंगे चीनी थोड़ी सी, और आम खट्टे हैं इसलिए थोड़ी सी चीनी ज्यादा। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे दूध, और अभी इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड, और मैं फिर से बटन चलाना भूल गई हूँ। तो ये लीजिए, टेस्टी सा आमरस तैयार है, और भगवान जी के लिए भी निकाल दिया है सब जगह पे, और अब इसको फ्रिज में रखेंगे। तो ये लीजिए हमारा ठंडा ठंडा आमरस, गरम गरम आलू के पराठे एंड लहसुन की चटनी रेडी है। तो बस डिनर एंजॉय करने वाले हैं आज टेस्टी अमरस के साथ। तो आ गई हूँ मैं भी ऊपर, और बच्चे और मम्मी जी पापा जी सब देख रहे हैं एक्चुअली। हाँ पापा जी आ गए, वो कल आने वाले थे लेकिन आज ही आ गए, और ये अनवी आ रही है, तो वो लोग राम सेतु देख रहे हैं। मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी थी राम सेतु, और बच्चे देख रहे हैं, देखो चिल्लाती हुई आ रही है। तो बस ये ब्लॉग में यही पेंट कर रही हूँ, आई होप आपको पसंद आया हो। थोड़ा एडिटिंग करूँगी, पतिदेव को आने में भी टाइम है, 11 बजे तक आएंगे वो, 10 बज गए हैं, इस घड़ी में तो 6:45 इसमें तो, बट 10 बज गए हैं, तो अभी सोएंगे, मतलब वो आएंगे तब तक तो काम करेंगे, उसके बाद सोएंगे। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।